देखिए हमारे संगठन का निर्माण का कार्य चल रहा है, जो आम आदमी पार्टी जो आने वाले चुनाव में अपने नगर निगम के हों, विधानसभा के चुनाव, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ता बनाने लग रही है और संगठन का निर्माण करने लग रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की जीत हो। और क्या क्या आपने जो है आज मुख्य जो बातें हैं यहाँ पर कही हैं? देखो मुख्य बातें तो ये हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो एजेंडा है, शिक्षा और चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, उसके ऊपर अपने जो कार्यकर्ता जो इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर बातचीत करिए कि भाई आने वाले समय में हमने जनता के बीच में जो जाना है, जो जनता के जो नुमाइंदे होंगे, जो लोग होंगे उनके बीच में जाके बैठेंगे, तो हमने क्या क्या बात उनके सामने रखनी है, हमने पार्टी की नीतियों को बताना है, पार्टी की इन बातों को समझाना है कि भाई आज देश में क्या चल रहा है और आम आदमी पार्टी कैसे कैसे समाज का भला करेगी, देश का निर्माण करेगी। नगर निगम चुनाव पास है और इसको लेकर किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी तैयार है, हालांकि ये तैयारी ही दिख रही है आज। हाँ ये आपने देख लिया, हमारी नगर निगम के चुनाव की तैयारी तो काफ़ी दिन से चली रही है और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा आम आदमी पार्टी गुड़गांव, ये क्या नाम, फरीदाबाद नगर निगम के ऊपर पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाएगी और जो फरीदाबाद का जो विनाश जो कर रखे इन पार्टियों ने उसको ठीक करने का काम करेगी। जैसे आप किसी भी रोड के ऊपर चले जाओ, मैं तो अब वाराणसी जैसे गुड़गांव रहता हूँ, गुड़गांव तो ऐसा नहीं है जितना यहाँ है तो वहाँ भी, लेकिन यहाँ तो इतना बुरी गंदगी है, किसी भी रोड के ऊपर किसी भी एरिया में चले जाओ, पता नहीं नगर निगम के तो को तो शर्म आती नहीं, लेकिन लोगों की भी सोच भी मर चुकी है इस हिसाब को देखते हुए, इतनी गंदगी के ढेर के ऊपर भी खड़े हैं, हर आदमी टैक्स के रूप में, जनता के टैक्स के रूप में पैसा देने लग रही है सरकार को, फिर भी उस पर सफाई के ऊपर, नाले के ऊपर, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, किसी चीज़ पर काम नहीं हो रहा है, इसके लिए आम आदमी पार्टी आगे आएगी और लड़ाई से। ऐसा जिस तरह से चुनावों में अब उम्मीदवारों की बात करें, उम्मीदवार एक एक वार्ड से कई उम्मीदवार जो हैं अभी जैसे देखा गया कई उम्मीदवार हैं, तो कैसे चयन करेंगे? चयन के लिए हमारा सीधा सीधा पार्टी ने को बना रखा है, अगर भाई जिसको जनता कहेगी, देखो उम्मीदवार कितने भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का काम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, अच्छे भी हैं, उससे कम भी हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं, बहुत अच्छे भी हो सकती हैं, लेकिन जिसको जनता चाहेगी, आम आदमी पार्टी सर्वे बेस पर टिकट देती है, जिसको जनता ये कहेगी अगर भाई ये आदमी फिट बैठता है चुनाव लड़ने के लिए, हर तरीके से ठीक है, उसको आम आदमी पार्टी टिकट देगी सीधा सा। फड़ाना जी क्या कहेंगे, आज बड़ी अहम बैठक है, आप भी बड़खल विधानसभा से पूरा वाकिफ हैं। हमारे अभी साउथ जोन के अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच जी ने आपको बताया है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल और परसों दो दिन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मेक इंडिया नंबर वन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये एक महोत्सव है और अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के हिसार में और आदमपुर में तिरंगा यात्रा करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी हम नगर निगम की तैयारी में लगे हैं, कल हमसे हम उसी तैयारी में लगेंगे जो हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आज संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में जैसे सरकार बनी है ऐसे हरियाणा में तभी बनेगी अगर हमारा संगठन मजबूत होगा, और संगठन तभी मजबूत हो सकता है जब उनको बात बताई जाए कि हमने क्या करना है, जनता में जाके हमने क्या अपनी बात रखनी है। तो हमें जो जितनी उपलब्धियां हैं दिल्ली की हैं, चाहे पंजाब की हैं या और आने वाले समय में जो भी होगा, उन उपलब्धियों को आम जनता के बीच में रखना है और उनको ये बताना है कि कैसे आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी बहुत ज़रूरी है। आपको बिजली पानी फ्री मिलेगा, आपको शिक्षा फ्री मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलेंगी, तो ये तभी वो मुमकिन है अगर आप आम आदमी पार्टी को ले आते हो। जी काफ़ी आपको जिम्मेदारी है, महिलाओं को लगातार महिलाएं जुड़ भी रही हैं, क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं को जो आपके आम आदमी पार्टी का जुड़े? हाँ जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। काफ़ी महिलाओं ने अपना सपोर्ट दिखाया आम आदमी पार्टी की तरफ, अपना झुकाव दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि दिल्ली सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं, उनको बसों में किराया फ्री है, बसों में मार्शल है और ऊपर से उनको बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, CCTV कैमरे हैं, तो ये सब देख कर महिलाएँ आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही हैं। आधी आबादी कहा जाता है महिला को, आधी आबादी का हिस्सा है, अगर जितनी जो संख्या में रोजाना आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो रही है, अपनी आस्था दिखा रही है, आखिर ऐसे क्या वजह है? यही वजह है कि दिल्ली में इतना अच्छा काम करके दिखाया है, तो वही देख देख के जो महिला शक्ति है
वो हमारी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है। फरीदाबाद में चुनाव आ रहे हैं, आने वाला समय क्या लगता है, क्या हरियाणा में सबसे पहला कदम हो सकता है? हरियाणा में बिल्कुल सबसे पहला कदम होगा, हम सारे वार्डों में अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और आगे आने वाला दिन आम आदमी पार्टी का ही होगा।